आप शॉर्ट्स पहन के ऐसा या ऐसा नहीं दिखना चाहते, बट यार इतनी गर्मी में पैंट्स कौन पहने? या फिर आप इनसिक्योर थे अपनी टांगों को लेके, लेकिन अब शॉर्ट्स पहनना चाहते हो? व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज के वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स को कैसे स्टाइल करते हैं वो सब बता दूंगा। एंड शॉर्ट्स को कच्चे की तरह नहीं स्टाइल करना, तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखना। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनैलिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर 2 न्यू वीडियोस एवरी वीक। यार अब शॉर्ट्स तो हजार टाइप की होती है, लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 4 बेसिक शॉर्ट्स जो हर इंसान को लेनी चाहिए अपने स्टाइल के हिसाब से। एंड डिस्कस करेंगे उसको पहनने के क्या रूल्स होते हैं, एंड साथ में आउटफिट्स भी दिखाऊंगा। एंड मेरे हिसाब से शॉर्ट्स कोई भी पहन सकता है, मोटा पतला छोटा लंबा सब। अगर आपकी टांगे पतली भी हैं तो भी आप शॉर्ट्स पहन सकते हो, बस इनसिक्योर मत होना, कॉन्फिडेंस रखना। एंड शॉर्ट्स आपको सिर्फ नोबिता की तरह नहीं पहनने। सबसे पहला चीनो शॉर्ट्स, मतलब जो बेसिकली वो चीनो पैंट्स होती है ना, उसको आधा कर दिया। ये आपको थोड़ी सी सेमी कैजुअल सिचुएशंस में पहनना होता है, या फिर अगर आपका स्टाइल ही थोड़ा सा मैच्योर या फिर थोड़ा स्मार्ट कैजुअल टाइप का है तो। इसमें कलर्स बेस्ट होते हैं वो प्लेन न्यूट्रल वाले, जैसे ग्रेज और ब्राउन्स वगैरह। एंड इनके ऊपर कोई पैटर्न नहीं बना होना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी वाइब खराब हो जाएगी। इसकी लेंथ का सिर्फ ये रूल है कि आपकी नीज के ऊपर खत्म होनी चाहिए ये। अब वो 2 इंच हो, 3 इंच हो या 4 इंच ऊपर हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बस इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए जब आप बैठो तो बिल्कुल चड्डी बन जाए। चीनो शॉर्ट्स लूज नहीं होनी चाहिए, आपकी टांगों को अच्छे से हग करनी चाहिए, लेकिन इतनी टाइट भी नहीं कि आपकी एकदम एयर फ्लो ही रुक जाए। तो इसके नीचे से एटलीस्ट 3 उंगलियों की स्पेस तो होनी चाहिए। बेसिकली इसकी जो लेग्स है उनकी ऊपर से लेके नीचे तक विड्थ कम होती रहनी चाहिए। इसका मटेरियल वो चीनोज वाला ही कॉटन होना चाहिए एंड थोड़ी सी स्ट्रेचेबल हो तो बेटर। आउटफिट्स इसके साथ वही अच्छी लगती है जो चीनोज के साथ अच्छी लगती है। पोलोज बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, इसके साथ शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। बस याद रखना कि आपका जो फुटवेयर है ना वो स्लिम होना चाहिए, एकदम पतला होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। एंड 2000 लाइक्स करवा दोगे तो चीनोस की स्टाइलिंग पे भी एक वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अबे शाणे, ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। नंबर 2 मेरा फेवरेट, स्वेट शॉर्ट्स, मतलब वो जो हुडी वाला मटेरियल होता है ना उससे बनी हुई शॉर्ट्स। ये कॉलेज क्लासेस एंड कैजुअल चिल मारने के लिए बहुत बढ़िया है एंड स्ट्रीट स्टाइल में भी बहुत अच्छी लगती है। ये बेस्ट लगेंगी ब्लैक, व्हाइट, नेवी या फिर किसी पेस्टल कलर में। एंड इनके ऊपर कोई पैटर्न या प्रिंट नहीं होने चाहिए ताकि ये वर्सेटाइल रहे, मतलब कि अलग अलग चीजों के साथ पहन पाओ। इनकी लेंथ नी तक होनी चाहिए एंड ये ना चीनो शॉर्ट्स के कंपेयर थोड़ी सी खुली होती है ताकि एयर फ्लो बना रहे और ये कूल लगे। इसके साथ बेस्ट लगते हैं टी शर्ट एंड स्नीकर्स। जैसे ये ऑलिव शॉर्ट्स के साथ व्हाइट टी शर्ट पहनी है मैंने और साथ में व्हाइट स्नीकर्स पहने हैं, थोड़ा बेसिक रखने के लिए। टी शर्ट ओवरसाइज्ड है ताकि आउटफिट की कूलनेस के साथ मैच करे, या फिर जैसे यहाँ थोड़ा बेसिक कम करने के लिए मैंने पिंक शॉर्ट्स के साथ मैचिंग चंकी स्नीकर्स पहने हैं पिंक थीम के, बट टी शर्ट व्हाइट ही रखी है मैंने तब भी। या अगर थोड़ा ज्यादा कूल लगना चाहते हो तो कलर्स के साथ खेलो एंड एक आइसक्रीम थीम जैसे मैंने बनाया वैसा बना सकते हो। बेसिकली पेस्टल कलर की ही शॉर्ट्स है एंड साथ में टी शर्ट भी पेस्टल कलर्स की है एंड स्नीकर्स भी पेस्टल कलर्स के। एंड यार स्वेट शॉर्ट्स की आउटफिट्स में यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद ऑल ब्लैक, बस टी शर्ट अपनी ओवरसाइज रखना एंड स्नीकर्स चंकी रखना बेस्ट लुक के लिए। एंड शॉर्ट्स के साथ लेयरिंग ऊपर करना भी बहुत आसान है, स्ट्रीट स्टाइल लुक अगर आप जा रहे हो तो। ये वाली लुक तो काफी ज्यादा ट्रेंड में आजकल। कुछ अच्छे ब्रांड स्वेट शॉर्ट्स के लिए हैं H&M और ब्रेव सोल, इनकी क्वालिटी भी सही है स्पेशली ब्रेव सोल की एंड आपको 700-800 रुपए में मिल जाएंगी शॉर्ट्स। नेक्स्ट है बास्केटबॉल शॉर्ट्स, मतलब लिटरली जो बास्केटबॉल की स्पोर्ट में पहनते हैं। ये थोड़ी ना कॉलेज एथलीट टाइप वाइब देती है और ये स्ट्रीट स्टाइल में बहुत अच्छी लगती है। इसमें कलर्स तो आपको जो पसंद आए वो ले सकते हो, बस नियॉन मत लेना अगर आप एक्चुअल में बास्केटबॉल प्लेयर नहीं हो तो। इनकी लेंथ आपकी नी पे आनी चाहिए, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, एंड ये थोड़ी ना खुली खुली दिखनी चाहिए, तो ऊपर से नीचे तक इसके लेग्स की विड्थ बड़ी होती रहनी चाहिए। इसका मटेरियल स्पोर्ट्स वाला मटेरियल होना चाहिए, पॉलिएस्टर, वही इसका मेन फायदा है ताकि हवा का फ्लो बना रहे। इसके साथ आउटफिट्स आपको एकदम स्पोर्टी नहीं बनानी है क्योंकि आपको डेली लाइफ में पहननी है। तो जैसे मैंने अपनी जॉर्डन की बास्केटबॉल शॉर्ट्स के साथ पहनी है एक ब्लैक टी शर्ट विद स्नीकर्स उस कलर के जो शॉर्ट्स के साथ मैच करें। सेम कलर के स्नीकर्स ना भी हो तो सेम कलर की सॉक्स एंड बल्की व्हाइट स्नीकर्स पहन सकते हो। एंड आपको अगर ये मास्क का डिजाइन पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। ब्लैक बास्केटबॉल शॉर्ट्स भी पहन सकते हो ऊपर किसी भी कलर की टी शर्ट के साथ, बस नियॉन कलर की ना हो वो टी शर्ट, साथ में बास्केटबॉल स्नीकर्स या फिर चंकी स्नीकर्स। इसमें एक बहुत बढ़िया अफोर्डेबल ब्रांड है ट्रायम्फ, वो एक इंडियन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड ही है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स वाला पॉलिएस्टर मटेरियल की बनी हुई ऐसी शॉर्ट्स जो कि आप कोई स्पोर्ट खेलते हुए पहनो, क्योंकि आपको कोई ना कोई स्पोर्ट खेलनी चाहिए या एटलीस्ट जिम तो जाना ही चाहिए। इनकी लेंथ, टाइटनेस,
विड्थ वगैरह सब होनी चाहिए आपकी स्पोर्ट के हिसाब से। इनका कलर कोई भी ले लो, इवन आप नियॉन भी ले सकते हो, बस उस पर कोई ज्यादा पैटर्न ना हो, लोगोज बने हुए हो सकते हैं उस पर स्पोर्ट्स कंपनी के। इसके बाद आउटफिट्स तो खैर आपके स्पोर्ट पे डिपेंड करेंगे, उसमें फैशन का एलिमेंट नहीं है, बट हाँ जिम अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए एक बहुत बड़ी आउटफिट होती है ऊपर ब्लैक मसल टॉप, साथ में ब्लैक कलर की शॉर्ट्स एंड साथ में नियॉन स्पोर्ट्स शूज, जैसे कि मैंने बेस्ट शूज वाली वीडियो में आपको बताए थे ये वाले। जिम आउटफिट्स में भी वीडियो चाहिए क्या ब्रो? पसंद आया वीडियो तो अपनी बॉक्सर्स उठा के लाइक बटन पे मार दो एंड सब्सक्राइब करके हमारे और भी वीडियोस देखो टू लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।